हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल गाबा कोचिंग सेंटर। आज हम करने वाले हैं क्लास सिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर साइंस का, फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम, फूड हमें कहाँ से मिलता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम आज। इंट्रोडक्शन और कुछ टर्म्स मैंने लिखी हैं, इनको हम अच्छे ब्रीफली अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फूड, सबसे पहले फूड दिमाग में आता है खाना। खाना है, एनर्जी मिलेगी, काम पे जाएंगे, पढ़ेंगे, सारे एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए फूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? फूड हमें प्लांट से भी मिलता है, फूड एनिमल से भी मिलता है। ठीक है ना, प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी, अलग अलग तरह का फूड हमें मिलता है। प्लांट से जैसे पल्सेस दालें मिल जाती हैं, ठीक है ना, हमें वेजिटेबल्स मिल जाते हैं प्लांट से। एनिमल से हमें मिल जाता है मीट मिल जाता है, ठीक है, एग्स मिल जाते हैं और मिल्क मिल जाता है, ठीक है ना। तो हमें ये फूड था, इसके बारे में बताया गया था, फूड के बारे में भी, ठीक है, इसका इंट्रो बताया हमने। अब हम बात करते हैं टर्म्स के ऊपर जाते हैं। सबसे पहली टर्म है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है? मम्मी आज खीर बनाओ, खीर खाने का मन हो रहा है, खीर खाने का मन हो रहा है, खीर बनाइए। तो खीर में जो जो सब्सटेंस, खीर क्या है, डिश, एक डिश को बनाने के लिए जो जो सब्सटेंस या जो जो मटेरियल्स उसमें डाले गए हैं। खीर बनानी है, क्या चाहिए? दूध चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए। तो दूध, चावल और चीनी क्या है? क्या है? मिल्क, शुगर एंड राइस क्या है? सब्सटेंस या मटेरियल जो क्या बनाने के लिए चाहिए? डिश बनाने के लिए। और यहां पे डिश क्या है? एक खीर। तो सिंपल सी डेफिनेशन है इंग्रेडिएंट्स की, एनी सब्सटेंस और मटेरियल्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। वो चाहे खीर हो या फिर कुछ भी हो सकता है। अब चपाती बनानी है, अब चपाती रोटी बनानी है तो उसके लिए क्या चाहिए? आटा चाहिए और पानी चाहिए। तो आटा, फ्लोर, FLOUR, फ्लोर, ये भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लोर, FLOUR, फ्लोर एंड वॉटर आर रिक्वायर्ड टू मेक चपातीस और रोटी भी कह सकते हो, ठीक है। तो एक बार ध्यान रखना, कोशिश करना, जहां जहां आप एग्जाम्पल दे सके साइंस में दीजिए, बिकॉज उसके मार्क्स मिलते हैं हमें, ठीक है ना। ये था पहला हमारा इंग्रेडिएंट्स। आगे सुनिए, चने खाना पसंद है? चने, चने ग्राम, ग्राम चना, ब्लैक, काले चने, ठीक है। किस तरह से होते हैं मैं आपको दिखा देता हूं, इस तरीके से है, ठीक है। क्लियर हो रहा है विजन, नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये ब्लैक चने। क्या करना है अब? ये चने हैं, ठीक है, एक बाउल में ले लिए चने। इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? इसमें हम ऐड कर देते हैं पानी। चने में पानी डाल दिया, अब डाल दिया ना, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे? इस बाउल को हम रख देंगे, इस बाउल को रख दिया। अब इसे एक दिन के लिए हम ऐसे ही लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे 24 आवर्स बाद हम इस बाउल में से सारा का सारा पानी ड्रेन आउट कर देंगे, निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें मिल जाएंगे सिर्फ चने, ग्राम चना। और फिर क्या करेंगे? जब एक दिन बाद हमने सारा पानी उसमें से ड्रेन कर दिया, हमें चने मिल गए, तो एक गीले कपड़े के अंदर उन चनों को, जो भी चने थे ना ड्रेन करने के बाद बचे थे, उनको हम डालेंगे और गीले कपड़े के अंदर रैप कर देंगे, ठीक है, कपड़े के अंदर डाल देंगे गीले कपड़े में, और कपड़ा क्या कर देंगे? रैप कर देंगे, फोल्ड करके रख देंगे। फिर अगेन कम से कम एक दिन बाद, नहीं तो दो दिन बाद, ठीक है, एक या दो दिन बाद आप उसको, कपड़े को खोलेंगे और आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो वो चने हैं
उनमें एक स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर, स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर ग्रोन हुआ है सीड्स में से। चने की सीड की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे एग्जांपल चना लिया गया है, ठीक है। और यही मूंग दाल में भी होता है, ग्रीन कलर की होती है मूंग दाल, ठीक है। ये जो मैंने आपको अभी दिखाया था ये चना है ग्राम, ठीक है। इसमें स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर सीड में ग्रो हो जाएगा, जिसे हम अंकुरित भी बोलते हैं, अंकुरित, ठीक है ना, अंकुरित चने। तो ये इन सीड्स को बोला जाता है स्प्राउटेड सीड्स। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? स्प्राउटेड सीड्स, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया था ये पूरा एक्टिविटी है, समझाई थी जो मैंने आपको। और इसकी अगर स्प्राउटेड सीड्स की आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो ये है, अ स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड आर कॉल्ड स्प्राउटेड सीड। जैसे मैंने बोला ना आपको एग्जांपल देना है, तो दे दिया हमने चना ग्राम जिसे बोला जाता है, और मूंग, ठीक है, मूंग दाल में भी ये हो सकता है। फिर उसको आप निकालेंगे, उसपे व्हाइट स्ट्रक्चर आएगा, तो आप उसपे स्पाइसेस डाल के, मसाला डाल के उसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, टेस्टी होते हैं, ठीक है, हेल्थी भी होते हैं। अच्छा, कमेंट करके बताना और ये एक्टिविटी करके बताना और कि टेस्टी है कि नहीं, ठीक है। अगला है नेक्टर। क्या है स्टूडेंट्स? नेक्टर। नेक्टर क्या होता है सुनिए, फ्लावर्स होते हैं ना, और फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के ऊपर, फ्लावर्स में क्या होता है, फ्लावर्स क्या सीक्रेट करते हैं, सीक्रेट करते हैं, निकालते हैं, प्रोड्यूस करते हैं स्वीट, मीठा जूस, जूसेस, स्वीट जूसेस सीक्रेट किया जाता है फ्लावर्स द्वारा, ठीक है। जब स्वीट जूसेस सीक्रेट किया जाता है फ्लावर्स द्वारा, तो वो कलेक्ट किया जाता है बीज द्वारा, ठीक है ना, मधुमक्खिया द्वारा, बीज द्वारा वो कलेक्ट फ्लावर्स के ऊपर जाती है और वहां से जूस को क्या कर लेती है, सक कर लेती है, फ्लावर्स के ऊपर से सारा जूस जो है सक कर लेती है और क्या बनाती है वो, हनी। क्या बनाती है? हनी, शहद, ठीक है। तो वो भी हमारे लिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो का फर्स्ट पार्ट, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का पार्ट वन, ओके। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जाके जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वीडियोस के लिए, ठीक है, ओके, थैंक्स।